जौनपुर के मड़ियाहूं कोतवाली में एक पूर्व सभासद पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप यह है कि पूर्व सभासद अबरार अहमद ने विवाहिता के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया, जिसके बाद लगातार ब्लैकमेल कर पीड़िता को काफी दिनों तक प्रताड़ित करता रहा। चूंकि महिला का पति विदेश रहता था, इसीलिए पीड़ित महिला डर के चलते जानकारी नहीं दे पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने मोबाइल पर पत्नी का वीडियो पहुंच गया, जिसके बाद पति के होश उड़ गए। उसने शहर पहुंचकर पड़ताल शुरू की तो सारी सच्चाई सामने आई। इसके बाद पीड़ित महिला ने पति के साथ मिलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। FIR लिखे जाने के बाद पीड़ित को आरोपी लगातार पैसों का लालच देकर मामला रफा दफा करने की बातें भी कह रहा है। क्या कहता था जब आप किसी से बताना चाहें तो? साहब जब कौन ऐसा बात ना रहा हमरे आदमी से, उनसे कुछ ना रहा है, काली होना हमारे ऊपर काली, इतना हमें इल्जाम लगा कि साहब इतना खराब खराब अपन वीडियो बनाए हैं, गलत संबंध रहा साहब, कहते कहिए कि हम वीडियो बनाए, सबसे कहते हैं हम कोर्ट मरीज करे, हम कहे कि कहाँ कोर्ट मरीज करे, आज सवेरे कहे लगे हम कहे अच्छे थे दिखावा, तो कहाँ कि सबसे कहते हमें बेइज्जत करा था, तो कहते हैं कि हम कहाँ करा थे ना ही कुछ ना, सबसे कहिए पूरे नात रिश्तेदार सबसे कहते पूरा मोहल्ला जाना था। एक महिला लिखित तहरीर लेकर आई कि उसके साथ उसके मोहल्ले का ही एक व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना रहा है। महिला की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एवं आरोपित को कस्टडी में ले लिया गया। जब आरोपित से पूछताछ की गई तो आरोपित ने बताया कि उसके परिवार वालों ने 3,30,000 रुपए उससे लिए हैं। सभी तथ्यों पर सभी पहलुओं पर बारीकी से जाँच की जाएगी, जाँच के बाद आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब जब कौन ऐसा बात ना रहा हमरे आदमी से, उनसे कुछ ना रहा है, काली होना हमारे ऊपर काली, इतना हमें इल्जाम लगा कि साहब इतना खराब खराब अपन वीडियो बनाए हैं, गलत संबंध रहा साहब, कहते कहिए कि हम वीडियो बनाए, सबसे कहते हैं हम कोर्ट मरीज करे, हम कहे कि कहाँ कोर्ट मरीज करे, आज सवेरे कहे लगे हम कहे अच्छे थे दिखावा, तो कहाँ कि सबसे कहते हमें बेइज्जत करा था, तो कहते हैं कि हम कहाँ करे थे ना ही कुछ ना, सबसे कहिए पूरे नात रिश्तेदार सबसे कहते पूरा मोहल्ला जाना था। एक महिला लिखित तहरीर लेकर आई कि उसके साथ उसके मोहल्ले का ही एक व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना रहा है। महिला की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एवं आरोपित को कस्टडी में ले लिया गया। जब आरोपित से पूछताछ की गई तो आरोपित ने बताया कि उसके परिवार वालों ने 3,30,000 रुपए उससे लिए हैं। सभी तथ्यों पर सभी पहलुओं पर बारीकी से जाँच की जाएगी, जाँच के बाद आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।